Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. आज मैं स्टार्ट करने लगी हूँ इस्लामियात की लेक्चर सीरीज एंड what I opted as my first topic is Muslim world and contemporary challenges. Recently फलस्तीन में जो एक ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था जिसके अंदर बहुत सारी प्रीशियस लाइफ लॉस्ट हुई हैं. सो देर इज अ वेरी पॉसिबल चांसेस कि एग्जामिनर इस साल का जो पेपर आएगा सीएस 2024 का उसमें आपसे पूछे, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज द कंसर्न ऑफ ऑल मुस्लिम्स ऑफ ऑल मुस्लिम कंट्रीज एंड ऑल मुस्लिम वर्ल्ड्स. तो आपका बहुत ये चांसेस है कि ये एग्जाम के अंदर आ सकते हैं. सो बी रेडी वेरी केयरफुली एंड वेरी स्मार्टली टू इनरीच द एग्जामिनर्स अप्रोच. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक. अब हम इसका इंट्रो देख लेते हैं. इंट्रो के अंदर मैं आपको वही बातें बताऊंगी जो मैंने इंग्लिश में लिखी हुई, आप बाद में पहले रीड कर लीजिएगा. अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि इंट्रो के अंदर कि सबसे पहले जो मुस्लिम बैकग्राउंड था वो कितना ज़्यादा ग्लोरियस था और मुसलमानों ने कितनी शहनशाही वाली ज़िंदगी गुजारी है. एक टाइम में मुसलमानों ने वर्ल्ड को रूल किया है इवन दो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम डाउनवर्ड जाना स्टार्ट हो गया मुस्लिम डायनेस्टीज मुस्लिम रूलर्स. और एक बहुत बड़ा इवेंट जिसने मुस्लिम वर्ल्ड का एक इम्पैक्ट ही चेंज कर दिया दुनिया के सामने, डैट वॉज पोस्ट 9/11 एपिसोड. जब 9/11 हुआ और अफगानिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि तालिबान ने जो है वो वहाँ पे अटैक करवाया है यूएस में, तो उसकी वजह से पूरा एक इमेज क्रिएट हो गया इस्लाम की, एक ब्लीक इमेज बनी पूरे वर्ल्ड के सामने कि जो मुसलमान होते हैं दे आर टेररिस्ट. ठीक है, उसके बाद बहुत सारी मूवीज़ बनी डिफरेंट कंट्रीज़ की जहाँ पे टेररिस्ट हमेशा मुसलमान दिखाए जाते थे. तो यहाँ से टेररिज्म के नाम पे मुसलमानों को बदनाम किया गया, एक्सट्रीमिज्म के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया गया. ठीक है, और दूसरा इस्लामोफोबिया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसने मुस्लिम वर्ल्ड का एक बहुत ब्लीक इमेज प्रेजेंट किया वर्ल्ड के सामने. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है. इसमें मैंने जस्ट एक ग्लैंस दी है मुस्लिम ग्लोरियस पास्ट का, जिसमें मैंने बताया है कि मुसलमानों के पास इन पास्ट क्या क्या था. मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा फतुहात हासिल की, मैनी विक्ट्रीज वर देयर मुस्लिम्स. इसके अलावा हमारी मिलिट्री बहुत अच्छी थी मुसलमानों की, दे हैड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से. इस तरह एजुकेशन जस्टिस कल्चर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चल रहा था और बहुत अच्छा चल रहा था, एक अरसे तक ये आगे कैरी होता रहा. बट अनफॉर्चुनेटली फिर कहीं पे कुछ ऐसे गैप्स क्रिएट हुए जो कि परमानेंटली रह गए. उसके अलावा दे हैड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड जिहाद वॉज बेसिक टूल ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी. उसके अलावा मुसलमान हमेशा जिहाद करती हैं. ठीक है, और वो माल गनीमत जो होता था उसे रखते थे और उससे जो है वो अपनी रियासत के सारे काम किया करते थे. सो दे वर सम फैक्टर्स, और आप इसको कह सकती हैं कि कुछ हमारा ग्लोरियस पास्ट है मुसलमानों का जो अनफॉर्चुनेटली आज के ज़माने में आज के टाइम में मुस्लिम वर्ल्ड में एबसेंट है अनफॉर्चुनेटली. अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. इसके बाद हम देख लेते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है या 57 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं इनके पास क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं और क्या इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, तो सबसे पहले एरिया एंड पॉपुलेशन देखें तो 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि इट्सेल्फ एक ग्रेट नंबर है, और ये वर्ल्ड की 23% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं. आप लगा लो 1/4 बनता है ये. ठीक है, और इसके अलावा बर्थ रेट जो है डेट इज 3.4%. इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी हम 57 कंट्रीज़ भी अभी तक कश्मीर का और फलस्तीन का इशू नहीं रिजॉल्व कर सके अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ऑल मुस्लिम कंट्रीज आर नॉट विलिंग टू सेट ऑन अ टेबल फॉर मेकिंग सम निगोशिएशंस, मेकिंग सम सॉल्यूशंस फॉर कश्मीर एंड फलस्तीन अनफॉर्चुनेटली. ओके, सेकेंड है डिफेंस. अब डिफेंस जो है वो किसी भी मुस्लिम कंट्री का अच्छा नहीं है, पाकिस्तान का अच्छा है, बट इन मेकिंग टूल्स और इन मेकिंग वेपन्स
वो हमारा नहीं है, वो तो हम इम्पोर्ट करते हैं ना, ठीक है। सो दिस इज अनदर फैक्टर कि हमारा जो मुस्लिम कंट्रीज है उनका डिफेंस बहुत ज़्यादा वीक है। हम जितना भी वेपन है वो सारा वेस्ट से लेते हैं, तो ऑब्वियसली अगर वेस्ट के खिलाफ ही हमें लड़ना पड़ गया तो फिर कहाँ से हमारे पास वेपन्स आएंगे। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट हेडिंग इकोनॉमी ट्रेड एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है दे आर वेरी रिच इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। 70% वर्ल्ड ऑयल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं कि अगर मुस्लिम कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, कार्स कंट्रीज, अगर ये यूरोप और यूएसए को ऑयल ना दें तो इनकी इकोनॉमी जो है वो रातों रात गिर के ज़मीन पर आ जाएगी। एंड 50% वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे पास, जैसे हम पाकिस्तान की एग्जाम्पल लेंगे, पाकिस्तान इज़ वेरी इनरिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, बट ये हमारी अनफॉर्चून है कि हमारे पास कुछ मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। सो मुस्लिम वर्ल्ड ऑक्यूपाइज 45% ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर लैंड। 45% हमारे पास जो है वो दुनिया का एग्रीकल्चर लैंड भी है। मुस्लिम रिप्रेजेंट, बट ये सब कुछ होने के बावजूद भी हम जो दे रहे हैं वो क्या है, वो सिर्फ 5% GNP है, इतना थोड़ा सा। और 7.5% जो है वो ग्लोबल रेवेन्यू है, ये इतना सा हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन तो हमारा ऑलरेडी तबाह हो चुका है, ठीक है, पाकिस्तान समेत जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सिर्फ 4% अपना जो है वो GDP इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर, ठीक है। और कुछ जो है वो कंजर्वेटिवनेस है जिसकी वजह से एजुकेशन सेक्टर बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने औरतों पर पाबंदी लगाई है, तो ये इटसेल्फ भी अफगानिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, उनके आवाम के लिए अच्छा नहीं है, और एक अच्छा इमेज भी नहीं हम क्रिएट कर रहे हैं दुनिया के सामने। हम बता रहे हैं उनको कि भाई हम मुसलमान तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, जबकि इस्लाम तो बहुत अलाउ, बल्कि इस्लाम ने तो फ़र्ज़ कर दिया कि हर मर्द औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, बट ये अपनी सोच है मुसलमानों की कि वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन करें तो इंडिया में, सिर्फ इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 8,500, दैट इज़ अ ग्रेट नंबर, ठीक है। और अमेरिका में 5,000, और अगर आप पाकिस्तान और टर्की की मिला लो तो सिर्फ 500, ये हालात हैं, ठीक है। तो जब हम एजुकेशन पर ही नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर हमारे बाकी एरियाज कैसे प्रोग्रेस कर सकती हैं। ये एक छोटी सी डायग्राम है कि वी वाई वी लैग बिहाइंड, हम क्यों लैग कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, इकोनॉमिक रिलायंस, डिपेंडेंस ऑन वेस्ट फॉर डिफेंस, डिसयूनिटी इन द उम्मा, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सोशल क्राइसिस, ये सारे मैंने डिस्क्राइब कर दिए, बट ये एक जस्ट एज अ चार्ट है ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। अब चैलेंजेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल। अभी हम बात करें इंटरनल की, इंटरनल के अंदर वो आ जाते हैं जो हर कंट्रीज़ के अपने अंदर चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो आ जाता है लीडरशिप क्राइसिस। मुस्लिम वर्ल्ड इज इन ट्रबल ड्यू टू इट्स इगोसेंट्रिक रूलिंग इलीट दैट लैक्स विजन एंड इज अनएबल टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू मुस्लिम वर्ल्ड टू यूनाइट एंड स्ट्राइव कलेक्टिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल द मुस्लिम्स। दे आर ड्राइवन बाय देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड एंबिशन टू रिमेन इन पावर बाय हुक एंड और बाय क्रूक। इट्स वेरी ट्रू। अगर हम आज देखें तो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके लीडर्स कैसे हैं, बिल्कुल डम्बू टाइप लीडर्स हैं, ठीक है। पाकिस्तान के देखें, पाकिस्तान का यही केस है, सऊदी अरेबिया का देखें यही केस है, यूएई का देखें यही केस है, आप जितने भी देखें यही केस है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है किसी मुल्क का जो
कह रहा हूँ कि हाँ वी वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर आवर ब्रदर्स सिवाय टर्की के तैयबुद्दवान के। तैयबुद्दवान स्टांस जरूर देते हैं अपना और कुछ नहीं तो, लेकिन बाकी कंट्रीज तो खुलम खुला सामने आना भी गवारा नहीं करते। उनको अपनी ट्रस्ट से कंसर्न है ना, उनको बस ये कि हमारा अपना क्या बन रहा है, जस्ट उनको उससे कंसर्न है। बाकी उनको किस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि मुस्लिम वर्ल्ड में क्या हो रहा है और हमारी क्या ड्यूटीज बनती हैं, दे डोंट कंसर्न विद दैट। उसके बाद रीजनलिज्म एक डिवीजन आ जाती है, मुस्लिम उम्मा हैज़ बीन डिवाइडेड इन रीजन्स एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज अ रैब्स, नॉन रैब्स, वाइट मुस्लिम्स, ब्लैक मुस्लिम। यहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी याद आती है कि ना किसी अजमी को अरबी पर और ना किसी अरबी को अजमी पर, ना किसी गोरे को काले पर और ना किसी काले को गोरे पर कोई फोकियत हासिल है। तो आप वो यहाँ पे कोट कर सकते हो। आज यहाँ मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, मुस्लिम उम्मा के अंदर रीजनलिज्म आया हुआ है, जहाँ पे हम तफरी करते हैं कि ये कौन है और वो कौन है। ठीक है, सो ये भी एक डिसयूनिटी की कॉज है कि रीजनलिज्म की वजह से मुसलमान जो हैं वो स्कैटर्ड हो रहे हैं, बिखरना स्टार्ट कर दिए मुसलमानों ने। अच्छा, सेक्टेरियनिज्म। सेक्टेरियनिज्म इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, इट्स अ बोन ऑफ कंटेंशन। ये एक बहुत बड़ा फसाद है। शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। ठीक है, सेक्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं मुसलमान। हर किसी को लगता है कि हमारा जो सेक्ट है दैट इज़ वेरी परफेक्ट और हम इसी को फॉलो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब जो सऊदी अरेबिया और ईरान है, इनके दरम्यान में जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, वो एक ओपन एग्जाम्पल है कि ये इस तरह से लड़ते हैं जैसे मुसलमान और काफर की लड़ाई हो। ठीक है, तो वो सेक्टरिज्म इतना ज़्यादा प्रिवेल कर गया है मुस्लिम उम्मा के अंदर कि अब उनको एक दूसरे से नफरत होने लग गई है, सिर्फ सेक्ट की बेसिस पर। जबकि सेक्ट की तो हमें कोई तालीम या हमें नहीं दी इस्लाम ने, कोई ऐसा कुछ नहीं बताया कि आपने सेक्ट्स में डिवाइड होना है, फिर भी हम हो गए हैं, सब कुछ जानते बूझते हम सेक्टरिज्म पे फॉलो कर रहे हैं। इलिटरेसी एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये जैसे कि अभी हमने पीछे बात की थी कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके अंदर जो एजुकेशन है उस पर सिर्फ 4% GDP यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमने कितनी ज़्यादा इलिटरेसी क्रिएट की हुई है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। अब यहाँ से आप ले सकते हैं फुरकान, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया किस बेस पर? जस्ट ऑन द बेस ऑफ नॉलेज, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इन दिया। ठीक है, द होली प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन सेड गेन नॉलेज इवन इफ यू हैव टू गो चाइना। इस्लाम ने तो इतनी अहमियत दी है इल्म को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करो अगर तुम्हें चाइना भी जाना पड़े। बट टूडे, लेकिन आजकल मुस्लिम वर्ल्ड इज लीडिंग इन इलिटरेसी, नॉट नॉलेज। इलिटरेसी रेट इज एज हाई एज 80%, ये हमारा इलिटरेसी रेट है। तो जब हमारी ये इलिटरेसी रेट होगा तो सोचें कि क्या हमारी सोच होगी, क्या हमारी जो है इन्वेंशंस होंगी, क्या हमने तरक्की करनी है, क्या हमने बैठ के मसले हल करनी है। साइंटिफिक रिसर्च की अगर बात करें, क्योंकि दुनिया आजकल रिसर्च कर कर के कहीं ना कहीं पर पहुंच रही है, कोई भी मसला होता है तो सबसे पहले उसकी रिसर्च होती है, कुछ साइंटिफिकलिटी चीज़ों की निकाली जाती है एंड देन उसको रिजोल्व किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि हम एजुकेशन पर ही नहीं ध्यान दे रहे, तो हमने रिसर्च पे क्या खास ध्यान देना है। अब हमारे मुस्लिम बहुत बड़े 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 मुस्लिम साइंटिस्ट गुजरे हैं इन पास्ट, जैसे कि जाबर बिन हयान, ठीक है, अल खवारिज्मी, इब्ने कोरा, इब्ने सीना, इन लोगों ने मेडिसिन में बड़ा नाम कमाया था, इन लोगों ने प्लांट्स एंड एनिमल्स में बड़ा नाम कमाया था। आज तक इनको मुस्लिम साइंटिस्ट को यूरोप में पढ़ा जाता है, फ्रांस में पढ़ा जाता है, यूएस में पढ़ा जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी जनरेशन को तो पता भी नहीं है कि थे कौन और इन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे। मीन एसिंगली मुस्लिम कंट्रीज टूडे आर लुकिंग
towards best world for manufacturing even in needle and thread and brain drain is rising rapidly. और आजकल क्या हो रहा है कि अगर हमने एक सुई भी बनानी है ना, तो हम देखते हैं कि भाई ये भी वेस्ट से ही आएगी, हम खुद नहीं कोशिश कर सकते. इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन ड्रेन इज राइजिंग, मुसलमानों के अपने दिमागों को जंग लग रहे हैं और वो टोटली डिपेंडेंट होते जा रहे हैं वेस्ट पर. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इकोनॉमी चैलेंजेस, ये टाइम है इकोनॉमी का, जिसकी इकोनॉमी अच्छी है उसके पास पावर भी है, वो दूसरों को काउंटर भी कर सकता है, वो दूसरों से पंगे भी ले सकते हैं, जैसे कि अब US को ले सकते हैं और आजकल चाइना को भी देख सकते हैं. दिस इज एन ईरा ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वेयर अ कंट्री विद इकोनॉमी स्टेबिलिटी कैन फाइंड एन इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड. इट इज एक्सट्रीमली फ्लैबरगेस्टिंग टू से दैट मुस्लिम कंट्रीज आर रिच इन रिसोर्सेज लाइक मिनरल गैस एंड ऑयल बट पुअर इन मैनेजमेंट. मुस्लिम कंट्रीज बहुत ज़्यादा रिच हैं रिसोर्सेज के केसेस में, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है, बट ये जो पुअर मैनेजमेंट वाला फैक्टर है ना, ये इनको लेके डूबा हुआ है. अभी तक यहाँ से हम निकल नहीं पा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम मैनेज कैसे करें अपने रिसोर्सेज को, अपने प्रॉफिट्स को, अपने सप्लाई को, अपने डिमांड को, हमें समझ नहीं आ रहा है. तो यहाँ भी हमें ज़रूरत है कि हम अच्छे पॉलिसी मेकर्स रखें और एक अच्छे इंटरेस्ट के साथ काम करें. अब पहले हमने सारे इंटरनल चैलेंजेस पढ़े, अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल चैलेंजेस. एक्सटर्नल चैलेंजेस मतलब ये कि आपको वर्ल्ड लेवल पर या दूसरे कंट्रीज के साथ क्या क्या मसले आ रहे हैं. ठीक है, तो ये हम पढ़ लेते हैं. इसके अंदर सबसे पहले तो है मीडिया रिप्रेजेंटेशन. अब मीडिया क्या काम करते हैं, मीडिया जो है वो एक मुस्लिम्स का, मुस्लिम उम्मा का एक नीक इमेज बनाते हैं. जहाँ जहाँ कुछ भी हंगामा होता है वहाँ मीडिया सबसे पहले पहुँचता है अपनी रेटिंग्स के लिए, और उसके बाद मीडिया जो है वो एक रॉन्ग इमेज क्रिएट करते हैं. मीडिया कवरेज टेंड्स टू फोकस ऑन एक्सट्रीम इवेंट्स. मीडिया क्या दिखाते हैं, मीडिया एक्सट्रीम इवेंट्स दिखाते हैं. ठीक है, लीडिंग टू अ स्क्यूड परसेप्शन ऑफ इस्लाम, और इस्लाम की एक बुरी सी इमेज दिखाते हैं कि मुसलमान इस तरह के होते हैं. सेंसेशनलाइज्ड स्टोरीज में ओवरशैडो द डाइवर्स एंड पीसफुल एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी सोसाइटीज. फॉर एग्जाम्पल, हाईलाइटिंग इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस इन मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स. ठीक है, जैसे कि अब कहीं मुस्लिम कंट्री में कोई इशू हुआ है, या कुछ चंद एक मुसलमानों ने, चंद एक ग्रुप ऑफ पीपल ने किसी दूसरी कम्युनिटी पे, क्रिश्चियन कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी पर कोई रिलीजियस अटैक कर दिए, तो उसको मीडिया फौरन से दिखाते हैं कि ये देखो मुसलमान तो ऐसे होते हैं. तो मीडिया की भी एक बहुत नेगेटिव रोल है इसके अंदर. उसके बाद है जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स. अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि जो भी ऐसे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, जिनमें मुस्लिम्स अब हम पढ़ लेते हैं कि हिस्टोरिकल इवेंट्स और पॉलिटिकल रेटोरिक का क्या केस है इसके अंदर. तो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं उसका ये मतलब है कि अगर मुस्लिम कंट्रीज में कुछ भी क्लैश होते हैं अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, तो उसको पूरी दुनिया में दिखाया जाता है और बार बार दिखाया जाता है, ताकि ये शो किया जाए कि मुसलमान जो हैं दे आर वेरी एक्सट्रीमिस्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्रूसेड्स के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था क्रिश्चियन और नॉन मुस्लिम, सॉरी मुस्लिम्स के दरमियान. ठीक है, तो उसको बार बार दुनिया में दिखाया गया कि जो मुसलमान है वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते हैं. वैसे हमें टेररिज्म से जोड़ा हुआ है इन लोगों ने, एक्सट्रीमिस्ट से जोड़ा हुआ है इस्लामोफोबिया. तो ये सारे ईल्स हमसे जोड़ के और फिर हमें जो है वो दुनिया के अंदर एक मिस परसेप्शन है हमारे कॉन्सेप्ट के, भाई ये तो पता नहीं कितने एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं मुस्लिम्स. तो यहाँ से भी हमारा एक ब्लैक इमेज क्रिएट होते हैं इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. सो दिस इज ऑल्सो अ रूट कॉज ऑफ बैड पिक्चर ऑफ मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड. उसके बाद है पॉलिटिकल रिथोरिक. अच्छा, इसमें ये होते हैं कि कोई भी मुल्क या किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट अपना इमेज अच्छा बनाने के लिए या अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए क्या होते हैं कि वो मुस्लिम्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं. पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिथोरिक एट
एसोसिएट्स इस्लाम विद वायलेंस और बैकवर्डनेस किन कंट्रीब्यूट टू नेगेटिव इमेज। ये लोग कहते हैं कि भाई जो इस्लाम है वो वायलेंस प्रमोट करता है, वो बैकवर्ड है, ठीक है, इस्लाम के जो नेगेटिव इमेज है वो दुनिया को दिखाते हैं। इसके अंदर वो पॉलिटिशियंस आ जाते हैं जो कि एंटी मुस्लिम रिथोरिक यूज़ करते हैं फॉर पॉलिटिकल गेन्स। जैसे कि आप देखेंगे कि मोदी, ठीक है, अब मोदी भाई साहब जितना ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं उतना ज़्यादा मोदी साहब को क्या मिलता है, वोट मिलता है, ठीक है। जो जो मतलब कट्टर हिंदू होते हैं जो मुसलमानों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, वो फिर क्या करते हैं, वो मोदी साहब को वोट देते हैं, वो कहते हैं भाई ये मोदी साहब इज़ द बेस्ट। तो इस तरह से जो मुस्लिम्स को डिफेम किया जाता है टू गेन द पॉलिटिकल पावर, ठीक है, तो ये भी एक सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं जो कि दैट इज इट सेल्फ अ डर्टी गेम, और इस डर्टी गेम को यूज करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। अब हम आ जाते हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ। हमने चैलेंजेस पढ़े, उसके अंदर हमने डिवीजन की इंटरनल चैलेंजेस और एक्सटर्नल चैलेंजेस की। अब हम देख लेते हैं कुछ रेमेडीज, कुछ वे फॉरवर्ड, कुछ सॉल्यूशंस जो कि इस सिचुएशन को बेहतर बना सकती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ यूनिफाइड रिस्पॉन्स ऑफ उम्मा। सबसे पहले तो उम्मा को यूनिफाइड होना है, उम्मा को एक होना है, ठीक है। जैसे कि कहते हैं कि यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, तो इसी तरह से है कि जब तक यूनिटी नहीं आएगी, कोई ईस्ट पे जा रहा है, कोई वेस्ट की साइड पे जा रहा है, कोई साउथ में जा रहा है, कोई नॉर्थ में जा रहा है, तब तक हम कुछ भी वन टेबल पे बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। जब तक हम एक टेबल पे नहीं बैठेंगे, एक एम नहीं लेके बैठेंगे सब, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो यूनिफिकेशन इज़ द बैकबोन टू कंट्रोल द ऑल मुस्लिम चैलेंजेस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो उस उम्मा को जो है वो यूनिफाइड होना है, सेक्टरिज्म जैसे इल को ख़त्म करना है, रीजनलिज्म जैसे डिवीजन को तोड़ना है, और उम्मा को जो है वो दिखाना है दुनिया को डेट वी आर वन बॉडी, और देयर इज नीड ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू एड्रेस द सीरियस चैलेंजेस लाइक एक्सट्रीमिज्म, सेक्टेरियनिज्म एंड टेररिज्म। सेम इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए उम्मा को ये चाहिए होगा कि वो वन टेबल पे बैठें, निगोशिएशंस करें, पॉलिसी सेट करें एंड देन एक्शंस लें कलेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ से ये बैकबोन है, मेरे ख्याल इसमें बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे अगर सिर्फ ये एक चीज़ डन हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली डन होती हुई नज़र नहीं आ रही क्योंकि हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे भाग रहे हैं। एनीवेज, सेकेंड पॉइंट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इंट्रैक्टिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि दूसरों के अंदर बुराइयाँ ढूंढने से बाज आकर अपने अंदर की करेक्शन को ठीक सॉरी अपने अंदर को ठीक करना, अपनी करेक्शन करना। इट इज़ हाई टाइम डेट मुस्लिम शुड इंगेज इन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड डायग्नोसिस देयर प्रॉब्लम्स एंड आयरन आउट देयर प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन। ये एक बहुत अहम वक्त है कि जहाँ पे मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी सही तरह से तरबियत करें, अपनी जांच पड़ताल करें, ठीक है, अपने जो अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोज करें और जितने भी मसले हैं उनका एक अच्छा सा प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें। क्रूशियली मुस्लिम्स मस्ट स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स फॉर देयर फेलियर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर सेल्फ। जिस दिन हम ये काम करना स्टार्ट कर देंगे ना, उस दिन हमारी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कि हम दूसरों में से खामियां निकालना करें बंद और अपनी सेल्फ रेक्टिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। फोकसिंग ऑन साइंटिफिक एजुकेशन एंड आईटी। मुस्लिम नीड टू मेक प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली जी, जब तक हम दुनिया के साथ नहीं चलेंगे, दुनिया के साथ कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं करेंगे साइंस में और टेक्नोलॉजी में, तब तक हमारा नाम नहीं बन सकता ना, बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ आईटी। अब आईटी का दौर है, ठीक है, अब एडवांसमेंट का दौर है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं अप्रोच करेंगे, वी कांट डू अ गुड स्टेटस, वी कांट गेन दैट। सो मुस्लिम्स मस्ट डेवलप एन एजुकेशनल सिस्टम दैट कुड कैटर देयर स्पिरिचुअल रिलीजियस नीड्स एज वेल एज द कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट्स। दिस इज़ वेरी गुड। हमने अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी साथ लेकर चलना है, ठीक है, आवर बिलीव्स, आवर वैल्यूज, आवर ईमान,
एंड आवर एवरीथिंग, रिलीजियस नीड्स भी, और जो हमारी कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट है साइंस टेक्नोलॉजी मेडिसिन वट एवर इट इज़, उसको भी हमने साथ लेकर चलना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है री इंटरप्रेटिंग द होल एडिफिक ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी। जो इस्लाम है उसको हमें री इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। देखेंगे हम कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मुल्ला टाइप लोग होते हैं जो कि अपना फ़िरका बंदी लेके और अपनी किताबें लेके बैठे हुए हैं। जब लोग इनके पास जाते हैं किसी मसले का हल पूछने के लिए, तो ये लोगों को गुमराह भी कर जाते हैं अक्सर, क्योंकि हमारा एक मसला है कि हम खुद कुरान से हेल्प नहीं लेते। हम जाते हैं लोगों की तरफ, हम जाते हैं उन लोगों की तरफ जो कि दीन के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। सो जब तक हम खुद इसको री इंटरप्रेट नहीं करेंगे, या कोई ऐसा अच्छा बंदा नहीं आ जाता इलामा इकबाल जैसा या फिर जमाल अफगानी दीन जैसा, जो कि इस्लाम को री इंटरप्रेट करें, अहदीस को री इंटरप्रेट करें, कुरान को री इंटरप्रेट करें और सही तरह दुनिया को बताएं कि एक्चुअली जो मैसेज है वो क्या है अहदीस और कुरान से और सुन्ना से, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब से हमने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन स्टार्ट की हदीस और कुरान की, तब से मुस्लिम डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। सो दिस इज़ अनदर कॉज, और इसका यही सॉल्यूशन है कि मुसलमान जो हैं वो दोबारा से री इंटरप्रेट करें। इससे सेक्टरिज्म भी ख़त्म होगी, इससे बहुत सारे जो बैकवर्डनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए फॉर द अटेनिंग ऑफ गुड इकोनॉमी। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एंटरप्रेन्योरियल स्पॉट, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी करेंगे, फंडिंग्स को बढ़ाएंगे। फंडिंग्स बढ़ाने से क्या होगा, जो लोग होंगे जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे उनको मोटिव मिलेगा कि वो यहाँ पर आएं और इसलिए अपना बिजनेस जो है वो सेट करें और वो फिर आएंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत इंपॉर्टेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आए बस बिजनेस स्टार्ट हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत वैल्यू होती है। जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता इकोनॉमी में। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन से ये होगा कि जो काम 10 दिनों में होना होता है वो जल्दी विद इन द 3 डेज 4 डेज हो जाते हैं। उसके अलावा इनर्जी एक्सेसिबल हो, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स अच्छे हों, तो इस तरह से जब इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीज़ें होती हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती हैं, फिर बाहर से आने को तैयार बैठे होते हैं कि हाँ यहाँ पे सेटलमेंट है, हमारा बिजनेस अच्छा रन कर सकता है, हमें इजी होगा। जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो ऑब्वियसली कोई भी बिजनेसमैन यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज उसको पता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बिजनेस में कभी कोई भी लॉस नहीं बर्दाश्त करता। तो ऑब्वियसली अगर हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जो प्रॉफिटेबल होगा आने वाले के लिए, तो वो ज़रूर आएगा। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम्ब्रेस इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस टू इंश्योर लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। इसके अंदर ये कि जो हमारा सिस्टम है वो बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए, और इस तरह से जो हमारी डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो सकती है। इंटरफेथ डायलॉग, बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। अच्छा, इसके अंदर ये है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। अब जैसे हमने पहले पढ़ा रीजनलिज्म, रीजनलिज्म का मतलब ये है कि जब आप एक बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो इस साइड पर रहने वाले लोग अलग तरीके से रहते हैं, इस साइड पर रहने वाले लोग अलग तरीके से रहती हैं। अब यहाँ पे जो मेजर जो एक इशू आते हैं वो कल्चर होता है, वो लैंग्वेज होती है, वो लिविंग स्टाइल होता है। तो अगर हम क्या करेंगे कि कल्चर एक्सचेंज करेंगे, अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान से करेंगे, पाकिस्तान वाले अफगानिस्तान से करेंगे, इसी तरह ईरान इराक के होंगे, सऊदी के होंगे, जब कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं तो उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और जो कम्युनिटीज़ हैं वो डाइवर्स होती हैं, वो एक्सेप्ट करती हैं डिफरेंसेस को। ओके, रिलीजियस टॉलरेंस एंड डाइवर्सिटी, इंगेज इन इंटरफेथ डायलॉग्स टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम फॉर एग्जांपल अगर मुस्लिम कंट्री है एक, तो वो ये टॉलरेंस रखे अपने अंदर कि वो जो है वो नॉन मुस्लिम्स को भी थोड़ी स्पेस दे, ठीक है,
उनको अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने दें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि खान साहब ने बनाया था वो, जेन में नहीं आ रहा मेरे, वो उन्होंने क्या बनाया था यार, आई एम नॉट हेटिंग, ये जो उन्होंने बनाया था सिखों के लिए बनाया था उन्होंने, तो उस पर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था कि भाई क्यों बनाया है, मुसलमानों के टैक्सेस हैं और इसे मस्जिद वगैरह ही बननी चाहिए। तो ठीक है, ये बहुत सही है, उस पर बनाना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, लेकिन खान साहब ने वहाँ पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, वो चीज़ गलत थी। आप बनाए, आप एक नॉर्मल चीज़ बना देते, आपको क्या ज़रूरत थी ऐसे ताजमहल की नकल खड़ी करने की। तो इस तरह से ये टॉलरेंस होनी चाहिए कि आप कहें कि हाँ भाई हमारे थोड़े बहुत टैक्सेस में से आप इनको भी दे दें, नॉन मुस्लिम्स की भी रिलीजियस प्लेसेस को करते हैं खड़ा, बट इट डजंट मीन कि जैसे खान साहब ने किया कि उन्होंने मुसलमानों का सारा पैसा ही वहाँ पे लगा दिया और उसको एक ताजमहल टाइप बना दिए, तो गुरुद्वारा था वो। हाँ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, इतना ज़्यादा नहीं, बस टॉलरेंस होनी चाहिए कि आप एक्सेप्ट करें कि जो चर्च भी होने चाहिए, ठीक है, मंदिर भी हो, जो भी हो, आपको कोई इससे इशू नहीं है, बस इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए, इट्स इनफ। अच्छा जी, उसके बाद है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नर्चरिंग गवर्नेंस। अच्छा जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है ना, इट्स मीन कि हर चीज़ आपकी ख़राब हो रही है, यहाँ से ही सारे मसले खराब स्टार्ट होती हैं, यहाँ से ही आती है करप्शन, यहाँ से ही आता है टेररिज्म, ठीक है, क्योंकि सबको पता चल जाता है, और यहीं से आती हैं फॉरेन इंटरप्शन स्टार्ट हो जाती हैं, उनको पता चल जाता है तो खुद ही लड़े जा रहे हैं, तो अब जरा हम अपनी टांग भी अड़ा लेते हैं ना, ये तो खुद ही लड़ रहे हैं क्योंकि इनको फुर्सत ही नहीं है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, गुड गवर्नेंस प्रमोट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इफेक्टिव गवर्नेंस, ये जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये तमाम मुस्लिम कंट्रीज में होनी चाहिए, ताकि फिर इस तरह से पहले कंट्रीज इंटरनल लेवल पर ठीक होंगे, देन वो एक्सटर्नल लेवल पर ग्रो कर सकती हैं। इसलिए सबसे पहले गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, लोगों को पता हो कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है, इफेक्टिव गवर्नेंस हो, अच्छी पॉलिसीज हो, अच्छे प्लान्स हो, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक्टिवली इंगेज इन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, इन्फोर्स डायलॉग बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज टू स्टैब्लिश लास्टिंग पीस। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बिल्कुल होना चाहिए, इससे ये होता है कि जो लड़ाई होती है, जो कि आगे बहुत बड़ी लड़ाई भी बन सकती है और एक ब्लडी वार और ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट बन सकते हैं, उससे इंसान बच जाता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, ये फैक्टर बहुत ज़्यादा लाइफ लॉसेस को बचा सकते हैं, तो इसको ज़रूर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है, इसको लाजमी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसके अलावा सोशल कोहेशन प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट इनिशिएटिव डेट ब्रिज सोसाइटल गैप्स इन फोस्टर यूनिटी। अच्छा, इसमें होता है कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं जिसके अंदर जो सोसाइटल गैप्स हैं वो फिल हो जाए और जो यूनिटी है उसको बढ़ाया जाए। इनकरेज पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग टू एम्पावर डाइवर्स वॉसेस विद कम्युनिटीज। जो कम्युनिटीज हैं उनकी डाइवर्स वॉइस को क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए, उनको सुना जाए, उनको कहा जाए कि यस प्लीज स्पीक अप। अच्छा जी, उसके बाद है रोल ऑफ OIC। अब OIC के बारे में थोड़ी सी मैं आपको दे देती हूँ जनरल नॉलेज, लेकिन OIC इटसेल्फ इज अ टॉपिक जो कि आप पाक अफेयर्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, और फिर जब आप OIC को पढ़ें तो फिर उसको इस क्वेश्चन से रिलेट करके भी डीपली पढ़िएगा कि OIC का क्या रोल है, क्यों फेल हो रही है वो मुस्लिम चैलेंज में। अब जैसे रिसेंटली फलस्तीन का जो केस हुआ, उसके अंदर OIC का तो कोई रोल ऐसे प्रोमिनेंट था ही नहीं, तो OIC की बहरहाल क्या जो है वो स्ट्रगल्स हैं और क्या OIC के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सबको पता होने चाहिए। तो जब आप पाक अफेयर्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बनाऊंगी इस पर भी वीडियो इंशाल्लाह। अच्छा, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन September 25। ये MCQs आ सकते हैं, किसी भी PPSC के एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, कि कब बनी थी, तो ये बनी थी September 25, 1669 को, और सबसे फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे OIC के, डेट वॉज तनकू अब्दुल रहमान, ठीक है, ये नाम भी आप याद कर लें इस बंदे का,
और 57 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। ये ना एमसीक्यूज टाइप मैंने दो तीन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, इट्स ऑल नेम इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और दैट वॉज चेंज इन 28 जून 2011 टू इट्स करेंट नेम। तो ये आप लोग एमसीक्यूज के तौर पे ये जरूर याद रखिएगा इसको। अच्छा जी, उसके बाद है रोल ऑफ ओआईसी इन राइजिंग द मुस्लिम्स उमाई। भाई ओआईसी का क्या रोल है, ठीक है। अब ओआईसी का टास्क ये है कि इसने यूनिटी और कोलाबोरेशन मेंटेन रखनी है, इसने डिप्लोमेसी और एडवोकेसी करनी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करनी है, जो हमने पीछे पढ़ा है कि पार्टीज के अंदर पीस मेंटेन करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करनी है कि जो मुस्लिम कंट्री इकोनॉमिकली सफ़र कर रहा होगा उसको हेल्प आउट करेगा, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जैसे कि ये सैलाब आ जाते हैं, जलजले आ जाते हैं, जैसे कि टर्की में बहुत बुरा जलजला आया था, तो इस सिचुएशन में ओआईसी हेल्प करते हैं। एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंजेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। टास्क तो ये थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये कंप्लीट नहीं हो पा रहे क्योंकि डिसयूनिटी बहुत ज़्यादा है उम्मा के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको लगा है कि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, जो कि ऑब्वियसली होंगी बिकॉज नो मैन इज परफेक्ट बट अ ट्राइंग मैन इज एवरीथिंग, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।